साउथ अफ्रीका के सामने होने वाले पहले मुकाबले से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ का मास्टर प्लान है तैयार। किस तरह से चल रही है जोरों शोरों से तैयारी इस समय अरुण जेटली स्टेडियम में पहले मुकाबले से पहले, बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। जिस तरह से हम सब जानते हैं 9 जून से शुरू होने जा रही है एक बड़ी श्रृंखला, जब पहला जो मुकाबला होगा भारत का साउथ अफ्रीका के सामने वो एक ऐतिहासिक मुकाबला भी होगा। उसी मुकाबले में रिकॉर्ड भी बनाएंगे केएल राहुल, साथ ही में सबसे बड़ी बात इस वीडियो को लेकर जो रहेगी, किस तरह से हेड कोच राहुल द्रविड़ अपनी बाकी सारी टीम के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरह से मास्टरमाइंड राहुल द्रविड़ की रणनीतियां चल रही हैं मुकाबले की ओर आगे जाते हुए, किस तरह से अप्रोच को देख रहे हैं। जहां सबसे पहले आपको बता दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते एक बात राहुल द्रविड़ ने वहां साफ साफ जाया कर दी, जहां उन्होंने बताया कि उनके सामने इस बार एक काफी तगड़ी साउथ अफ्रीका की स्क्वाड है। क्योंकि भारत की टीम को देखा जाए, जिस तरह हम सब जानते हैं कि भारत की टीम के अंदर काफी बड़े बड़े धुरंधर नाम इस समय रेस्ट पे हैं, जहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी जब आपके पास नहीं है वो लोग रेस्ट पे हैं, तो यहाँ से जिम्मेदारी जो आती है वो आ जाती है युवाओं पे, और युवाओं को सभी कार्य वंश के चलते काफ़ी बेहतरीन कार्य करना होगा। पूरी जोरों शोरों से इस समय तैयारियाँ चल रही हैं, जहाँ एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात कह दी राहुल द्रविड़ ने, साथ ही में राहुल द्रविड़ की जो फुटेज आ रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं इस समय ग्राउंड से प्रैक्टिस के दौरान की, वहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं राहुल द्रविड़ कितने जोरों शोरों से प्रैक्टिस में जुड़ गए हैं। वहाँ पे भला वो युजवेंद्र चहल हो, हार्दिक पांड्या हो या फिर अर्शदीप और उमरान जैसे युवा खिलाड़ी ही क्यों ना हो, सभी के साथ वहाँ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। नेट्स में खूब पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करें इस समय दिल्ली में तापमान भी काफ़ी तेज़ी पे है और इस भरी गर्मी में खूब पसीना बहा रही है मेहनत के साथ वहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम का स्पोर्ट्स स्टाफ और साथ ही में सभी खिलाड़ी इस बड़े T20 श्रृंखला की जीत के लिए। क्योंकि अगर इस पहले मुकाबले को जीत लेती है भारत तो 13 लगातार T20 इंटरनेशनल्स जीतने वाली टीम बन जाएगी यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम। ये रिकॉर्ड को अपने नाम जरूर करने उतरना चाहेगी भारत, लेकिन देखना होगा राहुल द्रविड़ जो भी हाल ही में कोच बने हैं रवि शास्त्री के बाद, उनकी रणनीतियां यहाँ पे किस तरह से काम आती हैं। क्योंकि जब पिछली बार राहुल द्रविड़ बतौर हेड कोच मिले थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका को जनवरी के महीने में, वहाँ 3-0 से ODI श्रृंखला को हार के आ रहे हैं, उस हार का बदला भी कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते होंगे अपनी KL राहुल और बाकी खिलाड़ियों की इस युवा स्क्वाड के साथ। देखना ये होगा इंटरेस्टिंग कि यहाँ से किस तरह से रणनीतियाँ जाती हैं, क्या रंग रूप, क्या समीकरण यहाँ से बनते हैं राहुल द्रविड़ की कोचिंग में उतरने वाली यहाँ से इस युवा भारतीय क्रिकेट टीम की। उमरान मलिक को मौका मिलता है नहीं मिलता है, ओपनिंग में किशन जाते हैं राहुल के साथ यहाँ जाएंगे गायकवाड, मिडल ऑर्डर की भूमिका कौन संभालेगा, दिनेश कार्तिक को क्या पहले मुकाबले में मिलेगी जगह, हालांकि इन सभी जवाबों के उत्तर हमें मिल जाएंगे कल शाम को। लेकिन फिलहाल उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में दीजिए उत्तर, जहां बताइए आपको क्या लगता है पहला T20 इंडिया साउथ अफ्रीका किसकी तरफ जा सकता है यहां से ये मुकाबला। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक मुहिम अपडेट वो भी सबसे पहले।